Good morning, second standard students. Today we are going to learn the subject Hindi. This is your Hindi textbook. Learn well Hindi Surbhi second standard. In that first chapter, Bharat Mata. Chapter ka naam kya hai? Bharat Mata. Mere saath bolo. Bharat Mata. मैं आपको थोड़ा ये भारत माता जो कविता है वो कविता के बारे में मैं आपको कुछ बोल बताना चाहती हूँ. भारत देश हमारी पहचान है. भारत देश जो है वो हमारा पहचान है. हम अपने देश को माता की तरह आदर देते हैं. हमारे देश को हम माता मम्मी जैसे माता की तरह आदर करते हैं. आइए भारत माता को मिलकर नमन करें. किसने तुम्हें जानते ही अपनी गोदी में बिठलाया, मतलब आप जन्म होते ही आपको किसने गोदी में बिठाया है, आप लोग बताइए. आप लोग जन्म लेने के बाद किसने आपको गोदी में बिठाया है? हमारी माता ने. किसने तुम्हें हिलाकर आंचल प्यार किया दुलारा? इसमें लिखा है कि किसने तुम्हें बहुत प्यार किया है. किसने प्यार किया है? माता ने प्यार किया है. किसने तुमको अन्न, अन्न मतलब चावल रोटी, जल मतलब पानी, ये सब देख के तुमको इतना स्ट्रॉन्ग किसने बनाया है? किसने तुमको पाल पोस कर इतना बड़ा बनाया? इसका मतलब है कि तुमको पाल पोस कर खाना खिलाकर पानी पिलाकर किसने बड़ा किया है? मात पिता से बढ़कर किससे जुड़ा तुम्हारा नाता, मतलब जो हमारा लाइफ है वो हमारा मम्मी और पापा होता है, मतलब माता और पिता से बढ़कर कुछ भी नहीं है. प्यारे बच्चों उसे न भूलो, वह है भारत माता. वो कौन है? भारत माता है. हम ये पोयम वापस पढ़ते हैं, इसे हम गाने के रूप से पढ़ेंगे. किसने तुम्हें जमते ही अपनी गोदी में बिठलाया, किसने तुम्हें हिलाकर आंचल प्यार किया दुलराया, किसने तुमको अन्न और जल दे बलवान बनाया, किसने तुमको पाल पोस कर इतना बड़ा बनाया, मात पिता से बढ़कर किससे जुड़ तुम्हारा नाता, प्यारे बच्चों उसे न भूलो, वह है भारत माता. प्यारे बच्चों उसे न भूलो, वह है भारत माता. अभी ये नीचे आपका कठिन शब्द का अर्थ लिखा हुआ है, देखा सबने? ये आपको नोटबुक में लिखना है और मैं ये आपको लिखवाती हूँ. कठिन शब्दों के अर्थ लिखिए. फ
फर्स्ट वाला है जनते ही, जनते ही मतलब पैदा होते ही, क्या है जनते ही, उसका मीनिंग है पैदा होते ही। दूसरा है जल, जल, जल का मतलब क्या है वो तो सबको पता है, जल का मतलब क्या है पानी, क्या है पानी, जल पानी। अभी थर्ड वाला पान पोसकर, पान पोसकर का मतलब क्या है देख रेख कर, देख रेख कर। फोर्थ अन्न, अन्न का मतलब क्या है जैसे गेहूं चावल आदि अनाज, अन्न का मतलब होता है अनाज, गेहूं चावल आदि अनाज। फिफ्थ है बलवान, बलवान का मतलब क्या होता है ताकतवर। सिक्स नाता, नाता मतलब संबंध। हम एक और बार पढ़ेंगे, फर्स्ट है जनते ही, उसका मीनिंग है पैदा होते ही, जल पानी, पाल पोसकर, देख रेख कर, अन्न गेहूं चावल आदि अनाज, बलवान ताकतवर, नाता संबंध। ये आपको होमवर्क लिखना है टू टाइम्स। क्या लिखना है होमवर्क, कितना टाइम लिखना है टू टाइम्स लिखना है। किसमें लिखना है हिंदी नोटबुक में, जो सिंगल लाइन आप लोग को दिया है वो हिंदी नोटबुक में। लेसन नंबर वन का कठिन शब्द के अर्थ ये जो है टू टाइम्स लिखना है, और ये पोयम जो है वन टाइम। ये भारत माता वाला पोयम आपके टेक्स्ट बुक में है, ये वाला और ये नोटबुक में फर्स्ट वन टाइम लिखना है। फिर मैंने जो आपको बोर्ड में कठिन शब्द लिखवाया है ये कठिन शब्द आपको टू टाइम्स होमवर्क में करना है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।